नमस्ते आदाब, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मज़े में। तो जैसे हमने स्काई डाइविंग की थी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गोलू के पास शेयर करेंगी। मेरा तो मज़ा आ गया, मेरा तो एक्सपीरियंस सब लोगों को पता है क्योंकि मैंने इतना एक्सपीरियंस शेयर करा। मैं सबसे गले मिल के गई, रोई सब कुछ, क्योंकि वो सच था। बट पायल के अंदर मुझे मज़ा नहीं आया इतना, क्योंकि पायल जब नीचे आई ना तो मैं पायल से इतना कुछ पूछ रही, पायल बताना यार क्या हुआ। पायल नीचे आके, हाँ यार ठीक था। मतलब पायल तो ऐसे कर रही थी जैसे मंगल बाजार तक गई है, वो भी प्लेन में नहीं ऐसे पैदल गई है। वो तो बता दे इंग्लिश वाली बात तो बता। इंग्लिश वाली, हाँ। तो पायल के ना ऊपर जब लटकी हुई थी ना पैराशूट में, तो उनके जो पीछे पायलट थे तो वो पायल से पूछ रहे हाउ वॉज योर फ्री फॉल, तो मतलब आपकी फॉल कैसे रही। तो पायल ने पहले उनको बोला श्योर, तो उनको लगा पता नहीं शायद समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। फिर ना पायलट ने उनसे पायल से दोबारा पूछा, ये है रिकॉर्ड है कि हाउ वॉज योर फ्री फॉल, तो पायल कह रही आई डोंट नो। पहले तो बोलती श्योर, दूसरी बार पूछे कह रही आई डोंट नो, तो तीसरी बार बंदा कोई भी होता वो थोड़ी पूछेगा जो दो बार समझ नहीं आया। तो कान वाला होता, कान वाला। अब क्या, वो पायल नीचे आ गई, तो पायल की सॉरी पायल ना वो पहनी थी हार्नेस पहनी थी और मैं पैराशूट पे लटकी थी, तो पायल का पायलट उसको पीछे से हार्नेस साइड कर रहा। तो पायल पीछे कह रही यार वो गोलू नहीं आई अभी तक, मेरे को मेरा बैंड चाहिए हवा वाला। तो वो कह रहा वॉट, कह रही मेरे को मेरा बैंड चाहिए जिससे हवा बचती। कह रहा गॉगल, कह रही नो गॉगल नहीं, वो मेरे को मतलब गॉगल, आई हैव गॉगल, मैंने कहा आई डोंट वांट गॉगल, आई वांट बैंड, बैंड ईयर बैंड। पायल इतनी फनी है ना। पहले फिर उसने ना जाने से पहले मेरे को बोला चलो आपका इंटरव्यू कर लेते हैं, मैंने कहा आई डोंट वांट इंटरव्यू, मुझे नहीं चाहिए। मैंने अपना फुल इंटरव्यू दिया, मतलब मुझे ना एक चीज समझ नहीं आई कि पायल मतलब ऊपर गई है, इतनी बड़ी बात है यार ऊपर से कूदना, पर नीचे आके पायल का रिएक्शन बड़ा नॉर्मल था। मतलब ऐसे लग रहा था मुझे कुछ ज्यादा फील नहीं हुआ एक्चुअली ना, और वो उतरते हुए भी ना, उतरते हुए भी गिरा दिया वो मेरे ऊपर गिरा। और ना पायल को, पायल कह रही ऊपर जाके मैंने खुद से बोला 360 डिग्री तो घुमा दो। मेरे वाले होते मुझे पर ना ये था कि जितना भी एक्सपीरियंस था हमारा बहुत मज़ेदार था, यूनिक था, पहली बार किया और अच्छे से हमने कर भी लिया। आप लोग भी करना, आपको भी मज़ा आएगा। और दूसरी बात, और अभी ऊपर का एक्सपीरियंस मैं शेयर कर देता हूँ। जब मैं ऊपर था मैं बिल्कुल नॉर्मल था, मैंने सोचा जो इंसान मुझे लेके कूद रहा है नीचे वो भी एक इंसान है, और चार मिनट में तो मैं नीचे आ ही जाऊँगा। थोड़ी सी घबराहट थी पर आसानी से हो, जब आपने जंप लगाई ना मज़ा आ गया। जंप तक थोड़ा सा मुश्किल लगता है पर गोलू पायल ने मुझसे पहले किया था, तो ये ब्रेव बॉय लड़कियाँ दोनों। मेरे को एक मेरा एक्सपीरियंस पायल शेयर करेगी, पायल मेरी वाली बात बता देगी मेरे गाइस को, जो मैंने उनका हाथ पकड़ा बता दे, तू बता प्लीज पायल। इसने क्या किया गुड्डू, पहले तो ये ना उसने जब उन्होंने बोला दो मिनट आपके पास, उसने बोले पैर बाहर निकालो, पहले उसने अपना पैर निकाला बाहर, फिर इसने अपना पैर निकाला, तो इसने वापस पैर अंदर कर लिया ऐसे। फिर उसने बोला रेडी, कह रही नो नो नो, उसको लगा गो 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 बोलते, उसे धक्का मार दिया नीचे। जैसे धक्का मार दिया उसने, इसने बोलो ना यहाँ से पैर हाथ पकड़ लिया उसके, ऐसे वो कह रहा है छोड़ो छोड़ो पैराशूट खोलना छोड़ो, मैं छोड़ूंगी मेरे हाथ मेरे पकड़े तो मेरे को ना ऐसे करना छोड़ो, फिर कह रहा छोड़ो, कह रहा ऐसे करो, फिर कह रही ऐसे, मैंने ऐसे ऐसे करा है ऐसे। फिर नीचे आके ना ऐसे ड्रामे कर रही थी ना ये, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, दोबारा कर सकती हूँ मैं। मैंने बहुत फन किया, वो लॉट्स ऑफ फन, लॉट्स ऑफ फन। मैंने ना सोचा मैं भूल गई थी कि रिकॉर्डिंग, तो ये लोग देखेंगे इनको पता चल जाएगा मैं ऊपर जाकर कितना डरी हूँ। तो पहले तो मैं बिल्कुल ऐसे फ्लूएंट, मजा आ गया। जब रिकॉर्डिंग आई ना तब इन सबको पता चला मेरी असलियत की मैंने हाथ पकड़े थे उनके, वो कह रहे छोड़ो मुझे पैराशूट खोल ले, मैंने कोई बात नहीं। ओह माय गॉड, सच में मैं अभी भी कसम से अपना ब्लॉग देख रही थी, इतनी हंसी आ रही है ना मुझे कि मैंने उनका हाथ नहीं छोड़ा। कोई और होता ना उसकी जगह तो वो तो मेरे को लेके नहीं जाता, नीचे उतरते ही दो थप्पड़ लगाता कि इस लड़की ने इतना तंग किया ना मुझे, खोलने नहीं देती मुझे सब कुछ है ना। मैं इस बारे में मैं ठीक थी, मैं तो उन्हें बोला दो सेकंड है मैं ठीक है। मुझे पता है क्या हो रहा था, मैंने उसका हाथ क्यों पकड़ी थी, जैसे ही मैं नीचे कूदी ना मतलब मुझे धरती अपनी तरफ खींच रही थी, ऐसे भोग ऐसे 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 नीचे गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी हो रही मुझे वैसे ऐसे हो रही, तो मुझे लगा कि कहीं पता चले मैं नीचे ना निकल जाऊँ और उसके बाद पैराशूट ऊपर रह जाए। अरवाज भाई क्या बोलना चाहते हो? हाँ तो अभी बताओ कैसा था एक्सपीरियंस। अगर तुम चाहते कूदना तो देखो थोड़ा घबरा गया बच्चा, कोई बात नहीं तुम कूद सकते हो। एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ 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 आप कूद सकते हो? हाँ हाँ
क्योंकि मैंने आपको देख लिया और आपकी बातें सुन ली ना, तो मुझे भी अब थोड़ा सा आया है कॉन्फिडेंस, करूंगा मैं भी अब। नहीं, एक बार जरूर करके आना है। हाँ, लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस होता है ना, मजा करना चाहिए सबको। ये बात बोलते हैं, जब आप कूदोगे ना, वो जो मोमेंट होगा ना आपका लाइफ का बेस्ट होगा, उस टाइम तो हम अच्छी अच्छी सबको सुनते हैं। हाँ सही बोला, यस यस। जैसे ऊपर जाते हैं ना और वो हेलीकॉप्टर का दरवाजा नहीं होता, ओ भैया जो हवा आती है, और उसके बाद जो नीचे देखते हो, 2 डिग्री टेम्परेचर था ऊपर, 2 डिग्री, इतना ठंडा था, -2। हाँ, -2 करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए लाइफ में सब एक बार ये जरूर करना। कालू भैया सोचो इतने वो है ना, कालू भैया कहते हैं मेरे को कोई ऐसे कुदवा दे, मैं पैराशूट खुद जाके खोल लूंगा। भैया हुआ क्या कि टाइम खत्म हो गया था और ना हमने भैया का जो परमिशन है वो लेना भूल गए थे, तो भैया का नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं, आगे आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस हम शेयर करते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ, मज़ा आने वाला बहुत ज़्यादा। और ये जो वीडियो थी, ये हमने एक एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोगों के साथ, तो इसको हम अलग से डालेंगे, सारी बातें आपने सुन ली। कुछ और रह गया? नहीं, बस यही, मैं दुबई जाना चाहती हूँ, मैं 20,000 की फुट से कूदना चाहती हूँ। दुबई में ऐसी हरकतें नहीं करूँगी। इस बार तो दोनों हाथ पकड़ लेगी, मत खोलो पैराशूट लेके जाना सीधा। नहीं नहीं, इस बार मैं ऐसे जाने से पहले क्या ड्रामे किए थे इसने, रोने लगी। और बताओ भैया, रोना मुझे आ गया था, मेरे को डर लग गया था, नूनी डर लग गया था। मैं तो पहली बार, भैया मैंने कभी एडवेंचर कभी नहीं किया, पहले भी तो कहा किया है, मैं भी पहली बार ही कर रही हूँ। मैं तो कभी पानी में भी नहीं कूदी, स्कूबा डाइविंग भी नहीं की मैंने, और बिना दरवाजे वाले उसमें बैठी हूं, सीधा स्काई डाइविंग कर रही हूं, स्कूबा तो पानी के अंदर होता। चलो किया हम में से किसी ने भी नहीं है, पर वो ये थोड़ा सा हमर थोड़ा सा डीपली एक्सपीरियंस, तो डीपली एक्सपीरियंस यही था कि इतना ज़्यादा, मतलब एक बहुत ही अलग मोमेंट होता है जब तुम ऊपर से नीचे आते हो, जो दिल, मतलब दिल ऐसा लगता है निकल जाएगा अभी, लेकिन जब फिर वो खुल जाता है ना पैराशूट, खुल जाता है, इतनी जोर से झटका लगेगा आपको, फिर आपको रिलैक्स फील होगा, फिर आपको, फिर आप अपने हाथ छोड़ सकते हो। और वहाँ हवा इतनी तेज होती है कि मुंह ना खोलना चाहो ना तो भी मुंह ऐसा बन जाता है, मुंह में ऐसा लगता है कुछ फंसा हुआ है दोनों साइड, अजीब सा आता है, पता नहीं क्या। बट ये एक्सपीरियंस ना हम जितना मर्जी बताएं, बट जब तक आप फील नहीं करोगे ना तो नहीं समझ आएगा। तो अगला एडवेंचर क्या करना चाहते हो? मैं अगला एडवेंचर करना चाहती हूँ बंजिन जंपिंग, और इसको पहले अंडर वाटर लेके जाना है। एक काम करते हैं, अगला एडवेंचर, आप सर्दियाँ आ रही है तो आप आग पे हाथ सेकना, इससे बड़ा नहीं नहीं मेरे को स्कूबा डाइविंग भी करनी है और बंजिन जंपिंग करनी है और पैराशूट ग्लाइडिंग करनी है। तो गाइस आप भी कमेंट में बताना अगला एडवेंचर हम क्या करें, जो हम करके दिखा सकें, आपको भी अच्छा लगे, मज़ा आए। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि हम फुल ब्रेव है, तो हम ब्रेव हुए हैं, वैसे मैं थी नहीं ब्रेव, हुई हूँ इनकी वजह से, ऑफकोर्स आपकी वजह से, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी वजह से हुई। ये मैंने ऐसे किया भी नहीं था, पाल किया था मैंने ऐसे, ये तो ऐसे ही बोलती रहती तू भी इनकी सहेल ले रही है। देख इसमें ना आपकी बार क्या करेंगे, हम अकेले कूदाएंगे, अकेले कूदाएंगे, इस बार पैराशूट वाले को नहीं बिठाएंगे, पैराशूट इसकी बैक पे लगाएंगे, खुद ही यहाँ से गोल घुमा और खोल। गाइस बस इसी के साथ एक्सपीरियंस ख़त्म करते हैं, जो भी था आपको बता दिया, मज़ा आएगा, आप भी जाना। तो ये स्पेशली 8-10 मिनट की वीडियो हमने शेयर किया, हमें कैसा लगा कैसे नहीं लगा, फ्री फॉल है। हाँ फ्री फॉल, बाबू देख फ्री फॉल का मतलब क्या हुआ, फ्री फॉल मतलब बिना किसी चीज़ का फॉल लेना, जो 5,000 फुट तक, 10,000 का था ना जंप, जो 5,000 फुट था वो तुम्हारा फ्री फॉल था ना, 5,000 के बाद पैराशूट ओपन हुआ था, तो यही पूछ रहा था हाउ वाज योर फ्री फॉल। मैं को व्हाट बदलेगा, वो कुछ करवाने के लिए बोल रहा है, जैसे 360 घुमाने के लिए कुछ, तो मुझे लगा श्योर श्योर करवाओ आप, फिर कहता, फिर उसने बोला व्हाट वाज योर फ्री फॉल, मैं कहा आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग, आई डोंट नो बोला भैया यार कसम। कुछ लोग बोल रहे थे कृतिका पायल की डाइट, तो ये इनकी डाइट, समोसे खा रही है दोनों, है शर्म नहीं आ रही तुम्हें समोसे खाए, सुबह सुबह मैंने खाए थे आलू के पराठे। हाँ कमाल है, तो अगर इनको देख के कोई प्रेरित होते हो आप कि ये समोसे बहुत खाती हैं, पराठे बहुत खाती हैं, चाय बहुत पीती हैं, जिम बहुत जाती हैं, कॉफी छोड़ दी। मेरे हिसाब से ना इंसान को सब कुछ खाना चाहिए, बट उसके बाद लिमिटेड खाओ, ये नहीं कि अगर समोसा दिख रहा है तो बहुत सारे खा लो, थोड़ा सा खाओ, मत सब कुछ टेस्ट करो, बट इस पे कंट्रोल रखो, ज्यादा क्वांटिटी मत खाओ, तो वो लोग सिर्फ ऐसे करके टेस्ट करेगी और आप नहीं नहीं खाएंगे। मैं पूरा खाऊंगी मैं सिर्फ ज्ञान बांटती हूँ, खाती पूरा हूँ शर्म नहीं आती ना तुम खाने के मामले में नहीं आती।
हाँ भाई ये देखो ये देखो, बड़ा टेस्टी लग रहा है। ये पता नहीं किसने चटनी बनाई है, इसके अंदर वो है ज्यादा पुदीना और हरी मिर्च ज्यादा, पुदीना धनिया। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं समोसों के साथ। तो नमस्कार, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।